अभी ये देखो, दिख रहा है ना, ये है ईयर ड्रम है, ये ईयर ड्रम, ये हड्डी है, सुनने वाला हड्डी को सपोर्ट करने वाला, यहाँ फटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बता सकते हैं ना कहाँ लगा था? नदी में नदी में ना नहाया ना, पोमा नदी में स्विमिंग का, स्विमिंग वो स्विमिंग करने थे एक उधर, बड़ा नदी है, स्विमिंग नदी, स्विमिंग किया था, तो स्विमिंग करने डुबकी लगाया था अंदर। हाँ, अंदर लगाने की वजह से ये प्रेशर से भी पत सकता है, या तो फिर पानी घुसने का, गंदा पानी घुसने से भी पत्ता है। दो जगह, दो कारण हो सकते हैं, और पानी निकला होने से फिर इन्फेक्शन का वजह से भी होता है। मतलब अंदर में पानी घुस गया, वो गंदा था तो वो इन्फेक्टेड हुआ। पानी निकला था क्या? पानी नहीं निकला है ना? नहीं निकला है, तो उसका मतलब आपका डुबकी लगाने की वजह से निकला, फटा हुआ। तो अभी सुनने में कैसा है? खुद का आवाज थोड़ा ज्यादा सुनाई सुनने दे में रहा है। ऐसे तो सुन रहा है ना, हाँ लेकिन सुनाई दे रहा है। खुद का आवाज़ को सुन रहा है, हाँ ठीक चलो है। तो अभी अभी चिंता की बात नहीं है, आपको 2 मंथ्स वेट करना है। ये 2 मंथ्स पीरियड में प्लग लगाना है, ईयर प्लग लगाना है, और साथ साबुन पानी घुसने नहीं देना है। अगर साबुन पानी से बचाएगा तो ये हील हो जाएगा, ठीक है। अगर साबुन पानी, एक बार साबुन घुस गया मतलब परमानेंट भी हो सकता है। परमानेंट होने से ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन का वीडियो देखा है ना? यस ऑपरेशन का वीडियो देखा है, तो डर डर रहा है ये ऑपरेशन का वीडियो देख के। तो डरने का बात नहीं है, आजकल हम लोग एंडोस्कोपी से करता है, कान को नहीं करता है, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग करता है, यहाँ में स्कार वगैरह इतना नहीं होता है, तो डरने का बात नहीं है। लेकिन आपका ये ऑपरेशन ज़रूरी होगा ऐसा तो नहीं लग रहा है हमको, हील हो जाना चाहिए। इनकेस हील नहीं होने से ऑपरेशन कर देगा, ठीक है। तो अभी वेट एंड वॉच, हाइजीन मेंटेन करना है और दवा खाना है, बस 2 मंथ्स के बाद हम लोग इसको रिव्यू करेगा, ठीक है।